हमारा चल रहा था रैशनल्स नंबर। हाँ रैशनल्स नंबर्स चल रहा था। रैशनल्स नंबर्स का फर्स्ट क्वेश्चन, तो रैशनल्स नंबर्स का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल्स नंबर। पहला क्वेश्चन 0.5, 2, 3/4, -1/√2, 5/0। हमें ये रैशनल्स नंबर्स इनकी गिवन है, इनमें से ये बताना है रैशनल्स नंबर्स कौन सा है और रैशनल्स नंबर्स कौन सा नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल्स नंबर। तो मैंने बताया रैशनल्स नंबर्स के अंदर रैशनल्स नंबर हमारा पी अपॉन क्यू की फॉर्म के अंदर होता है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होती। अगर क्यू की वैल्यू जीरो के बराबर होगी तो वो हमारा रैशनल्स नंबर्स के अंदर काउंट नहीं होगा। ठीक है, मैंने बताया रैशनल्स नंबर्स क्या होगा पी अपॉन क्यू, ये हमारा क्या होता है न्यूमिरेटर और ये वाला डिनोमिनेटर तो मैंने कहा था पी और क्यू क्या होंगे, कोई इंटीजर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होगी। तो अब हमें इनमें से ये बताना है इनमें से रैशनल्स नंबर्स कौन सा है और रैशनल्स नंबर्स कौन सा नहीं है। तो जो क्यू की वैल्यू जीरो होगी तो वो रैशनल्स नंबर्स नहीं होगा। तो ये वाला कौन सा है, रैशनल्स नंबर है टू है, टू को हम कैसे लिख सकते हैं, टू अपॉन वन लिख सकते हैं, तो ये भी हमारा कैसा हो गया रैशनल। थ्री अपॉन फोर भी है, ये भी है, ये वाला भी है, तो कौन सा नहीं है, फाइव अपॉन जीरो। तो मैंने कहा था ये हमारा कौन सा है, नॉट रैशनल, रैशनल्स नंबर नहीं है। मैंने कहा था ये वाला नहीं हमारा रैशनल। ठीक है, रैशनल्स नंबर समझ में आ गए। सेकंड क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिफाई द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इन द फॉलोइंग रैशनल्स नंबर। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है रैशनल्स नंबर्स गिवन है 2/3, 4/1, 0/3, 5, 3/-1। तो मैंने कहा था रैशनल्स नंबर्स p अपॉन q की फॉर्म के अंदर होगा, लेकिन p हमारा क्या होगा न्यूमिनेटर और q हमारा क्या होगा डिनोमिनेटर। तो हमें सेकंड क्वेश्चन के अंदर यही आइडेंटिफाई करना है इनमें से न्यूमिनेटर कौन सा है और डिनोमिनेटर कौन सा है। तो हमें पता है जो ऊपर वाले हैं वो हमारे कैसे हैं न्यूमिनेटर और जो नीचे वाले हैं वो कैसे हैं डिनोमिनेटर। यहाँ फाइव है, फाइव को मैं ऐसे लिख सकती हूँ फाइव अपॉन वन, कुछ फर्क पड़ा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तो न्यूमिनेटर इनमें कौन सा हो गया, माइनस का 2, 4, 0, 5, 3। ये वाले क्या हो गए हमारे न्यूमिनेटर और ये वाले बच गए, ये वाले क्या हो गए डिनोमिनेटर्स। 3, 1, 3, 1, -1। सेकंड क्वेश्चंस के अंदर हमें सेकंड क्वेश्चन हमारा यही था न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर्स को आइडेंटिफाई करना। हमारा थर्ड क्वेश्चन है एक्स प्लस -5/3 एज ए रैशनल नंबर हुज न्यूमिनेटर इज।
थर्ड क्वेश्चन है, हमें रैशनल्स नंबर्स गिवन है 5/3। हमें पता है ये हमारा न्यूमिनेटर और ये वाला डिनोमिनेटर। तो थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है इसमें हमें एक्सप्रेस माइनस 5/3 एज ए रैशनल्स नंबर, तो हुज न्यूमिनेटर इज, यानी कि उसका न्यूमिनेटर क्या होना चाहिए, 35 होना चाहिए, यानी कि 5 न होके उसका न्यूमिनेटर हमें कैसा बनाना है, 35। तो मैंने इक्विवेलेंट जो रैशनल्स नंबर था उसके अंदर आपको दो प्रॉपर्टी बताई थी। पहली प्रॉपर्टी, कोई भी नॉन जीरो यानी कि इंटीजर से क्या करेंगे, इसके न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी, तो हमें क्या बनाना है, न्यूमिनेटर 35। रैशनल्स नंबर्स गिवन है 5/3, तो माइनस 5/3। अब हमें यहाँ क्या चाहिए, 35, और वो भी कैसा चाहिए, प्लस का। तो किससे मल्टीप्लाई करें कि 35 आ जाए, तो माइनस का 7 से मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस के 7 से यहाँ मल्टीप्लाई, यानी कि इसके न्यूमिनेटर को भी कोई नॉन जीरो यानी कि इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दिया और इसके डिनोमिनेटर को भी। तो ये क्या होगा, 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया हमारे पास, 35। और मैंने कहा माइनस माइनस को तब मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन कैसा आता है, प्लस का, और 7 को 3 से किया तो माइनस का 21। अब हमारा देखो ये वाला न्यूमिनेटर है ये क्या आ गया, 35। यही हमें बताना था। इसी तरह से हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, उसी तरह से हमारा फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्रेस 3/4, यानी कि हमारे पास क्या है, 3/4 एज ए रैशनल्स नंबर हुज डिनोमिनेटर्स इज। देखो इससे जो पहले वाला थर्ड क्वेश्चन था उसके अंदर हमने न्यूमिनेटर बनाना था, अब की बार हमें क्या बनाना है, डिनोमिनेटर्स। तो इसका ये वाला क्या हो गया, और ये वाला डिनोमिनेटर, ठीक है। तो अब की बार बोल रहे डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए, 12। तो हमारा यहाँ डिनोमिनेटर कितना है, 4 है, तो किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाए, 12 हो जाए। तो 3/4 = 3/4, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से, और इसको भी किससे कर देंगे, 3 से। इनके इसके न्यूमिनेटर को भी मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसके डिनोमिनेटर को भी मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 से 3 को करेंगे तो 9, और ये क्या हो जाएगा, 12। तो ये वाला आ गया ना हमारा कितना, डिनोमिनेटर 12। अब हमारे पास है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर एक्सप्रेस करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 15/65, तो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर मैंने कहा दोनों का क्या लेंगे, एचसीएफ, और जो एचसीएफ आएगा उसी से इसके न्यूमिनेटर को डिवाइड कर देंगे और उसी से इसके डिनोमिनेटर को भी। तो सबसे पहले हमारा एचसीएफ होगा किसका, 15/65 का। एचसीएफ सभी को आता होगा, एचसीएफ के दो मेथड होते हैं, एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा होता है डिवीजन मेथड। तो मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको बहुत बार बताया है, डिवीजन मेथड, तो डिवीजन मेथड के अंदर क्या होता है, जो लार्जेस्ट जो नंबर होता है वो अंदर और स्मॉलेस्ट होता है वो बाहर। अब कितने पे जाएगा, 65। अब ये वाला तो बाहर और ये वाला अंदर, कितने पे, 3 पे, यानी कि जो दोनों से क्या हो रहा है डिवाइड, तो वो कौन सा है हमारा, एचसीएफ 5, यानी कि 5 से 15 भी डिवाइड हो रहा है और 65 भी। तो मैंने कहा था 15/65 = 15/65 को मैंने डिवाइड किया 5 को और इसके डिनोमिनेटर को भी 5 से, ये क्या आ गया, 3, और ये क्या आ गया हमारे पास, 30। तो आंसर क्या हो गया हमारे पास, 3/30, ठीक है। बाकी क्वेश्चन कर लोगे अगर स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर पूछेगा तो। अब है हमारे पास सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन के अंदर है राइट डाउन द
एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर, हमें एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर मैंने बताया था जब हम एब्सोल्यूट का सिंबल लगाते हैं तो उससे इनकी बाहर आएगा, तो वो नंबर कैसा बन के आएगा, पॉजिटिव, चाहे नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, हमें कैसा मिलेगा, तब हम सिंबल से उसे बाहर निकालेंगे तो हमें मिलेगा पॉजिटिव। तो 6 के अंदर फर्स्ट पार्ट है 3/-5, मैंने 3/-5 को एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर लिखा 3/-5, मैंने कहा इसके न्यूमिनेटर पर भी एब्सोल्यूट वैल्यू ये, तो ये क्या आ गया हमारे पास 3, और ये -5 है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास +5, तो ये हमारी क्या हो गई इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हो गई। एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर मैंने कहा था अगर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है या फिर पॉजिटिव वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल लगाने के बाद हमारी कैसी वैल्यू बनेगी, हमेशा पॉजिटिव बनेगी, ठीक है। उसके बाद है 7th क्वेश्चन, है इवेलुएट करना हमें एब्सोल्यूट वैल्यू 1/3 ± 3/2। तो मैंने कहा था एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है पॉजिटिव, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू से तब इसे बाहर निकालेंगे तो हमें कैसी वैल्यू मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। तो इस पे क्या हो जाएगा 1 का एब्सोल्यूट और 3 का प्लस माइनस 3 का एब्सोल्यूट और 2 का, 1/1/3 प्लस, यहाँ क्या आ जाएगा प्लस का 3 बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2। अब देखो हमें 2 रैशनल नंबर्स को क्या करना है, ऐड करना है। 2 रैशनल नंबर्स को ऐड करने के लिए मैंने आपको दो चीजें बताती हूँ। तो हम रैशनल नंबर्स को ऐड करेंगे तो एक तो इस रैशनल नंबर्स ऐड करेंगे, एक तो ऐसा रैशनल नंबर होगा जिसके डिनोमिनेटर्स क्या होंगे सेम, यानी कि हमारे पास 2 रैशनल नंबर्स हैं और दोनों रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर्स सेम है, तो हम क्या कर देंगे उनके डायरेक्ट न्यूमिनेटर्स को ऐड कर देंगे। अब यहाँ क्या है, दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या है हमारे पास डिफरेंट, तो डिफरेंट है तो सबसे पहला स्टेप करेंगे, इनके डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो सेम करने के लिए सबसे पहले इनका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद दोनों के डिनोमिनेटर्स को क्या करेंगे, सेम करेंगे और फिर इनके न्यूमिनेटर को ऐड कर देंगे। अब देखो यहाँ साइड में बताती हूँ, 3 और 2, हमने एलसीएम लिया 3 और 2 का, तो 3 और 2 का जो एलसीएम होगा वो हमारा क्या होगा 6, तो यहाँ क्या आ गया हमारे पास 3 और 2 का मैंने एलसीएम लिया तो क्या है हमारे पास 6। देखो हम इसके डिनोमिनेटर से तो क्या करते हैं डिवाइड, और जिस जो हमारा आएगा उससे क्या करते हैं उसके न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को मैंने इससे किया तो क्या आया 2, और 2 को 1 से किया तो क्या आ गया 2 को इससे किया तो 3, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 और 2 क्या आ गए हमारे पास 11/6। तो हमारे पास 1/3 प्लस एब्सोल्यूट माइनस 3/2 की वैल्यू क्या आ गई 11/6, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। सभी को समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन हो गए। उसके बाद है हमारा 8th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन के अंदर हमें फाइंड करना है मोड x-y एंड y-x कब, व्हेन x=9 एंड y=1/5। हमें कुछ भी नहीं करना, पहले x माइनस y दोनों का क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि पहले x में से किसको माइनस करेंगे y को, और फिर y में से किसको माइनस करेंगे x को, और दोनों की क्या वैल्यू निकाल लेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखो यहाँ क्या है हमारे पास मोड ऑफ एक्स माइनस वाई, ये वाला निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लें एक्स माइनस वाई,
x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 9, y की हमारे पास 1/5। मैंने कहा अगर डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तो दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम 5 और 1 का एलसीएम क्या आएगा हमारे पास 5, तो ये वाला एलसीएम क्या हो गया हमारे पास यहाँ 5, ये क्या आ जाएगा 9, सॉरी यहाँ माइनस का निशान है माइनस, 9 में से 1 गया तो कितना बचेगा 8/5। यहाँ आएगा 45, तो ये वाला 44/5। अरे एलसीएम लेंगे तो कितने पे करेगा 5 पे, और 5 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया 9 से, 9 5 जा 45 - 1, 45 में से 1 गया तो हमारे पास क्या बचेगा 44/5। अब इसकी क्या लगा देंगे, यानी कि x से माइनस वाई की वैल्यू आ गई, दोनों तरफ एब्सोल्यूट वैल्यू लगा देंगे तो 44/5, तो 44 की एब्सोल्यूट वैल्यू और 5 की, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 44/5। ठीक है, तो इसी तरह से आप y माइनस x निकाल लेंगे। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है आपका, 10th क्वेश्चन। राइट थ्री रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू फॉलोइंग रैशनल नंबर, हमें 3 यानी कि ऐसे नंबर निकालने हैं जो इक्विवेलेंट होंगे किससे, रैशनल नंबर्स। हमें रैशनल नंबर्स ये गिवन है, इसके यानी कि इक्वल जी और इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो क्या करेंगे, मैंने कहा था सबसे पहले क्या करेंगे, उसके कोई भी नॉन जीरो इंटीजर लेंगे तो उसके न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसके डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो 2/3 है, तो पहला देखो 2/3 इक्वल टू माइनस 2/3, तो मैंने 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया 2 से यहाँ, क्योंकि 3 तक बताने, तो मैंने ले लिया 2, 3 और 4, इन 3 नंबरों से इसके डिनोमिनेटर्स को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके न्यूमिनेटर्स को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -4/6। नेक्स्ट है हमारे पास -2/3, अब यहाँ कर देंगे इसके 3 से इसके न्यूमिनेटर को भी, 3 से इसके डिनोमिनेटर से, 6/9। तो 2/3 इसको 4 और इसको 4 से, तो -8/12। तो जो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है वो क्या हो गए, -2/3 के इक्वल -4/6 -6/9 -8/12, तो ये वाले क्या हो गए हमारे 3 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। किसके इक्विवेलेंट, माइनस